हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। जय माता दी, राधे राधे। छोटों को प्यार और बड़ों को चरण बनना। तो गाइज, ये है दराटी, हमारे इसको दराटी बोलते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आपके यहाँ पे क्या बोलती इसे। तो आज आए हम घास काटने, तो मैं बताती हूँ क्यों काटा जाता है यहाँ पे घास पहाड़ों में। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे सर्दी में बिल्कुल बर्फ़ पड़ती है, तो पूरा खेत बर्फ़ से ढक जाते हैं। तो गाय के लिए, पशु के लिए चारा नहीं होता है, तो इसलिए हम अभी काट के सुखा के टोली बोलते हैं इसको, जैसे इकट्ठा करके ना, तो एक मतलब खम्बा सा होता है लकड़ सा, तो उसमें लगाते हैं हम बांध के। तो वो हम सर्दी में पशुओं को खिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नवंबर दिसंबर से ही मतलब सर्दी शुरू हो जाती है, और मार्च अप्रैल तक तो यहाँ पे घास ही नहीं होता है खेतों में। हरा घास तो बिल्कुल सूखा सूखा हो जाता है यहाँ पे, तो इसलिए हम सुखा के रखते हैं। तो गाइस, ये देखिए घास काट रहे हैं, जो बीच में बेकार घास था ये इसी में डाल रहे हैं, ताकि पेड़ के लिए भी मैल बन जाए। यहाँ पे ना, ये मतलब ये जो खेत है यहाँ पे ज़्यादातर पक्का घास होता है, ड्राई जैसा एरिया है ये, यहाँ पे बगीचा नहीं है उतना बड़ा। तो गाइस, ये वाला खेत हमारा ऐसे देखिए, यहाँ पे वॉल कितनी खड़ी खड़ी है, और ये लोग हमारे जो वर्कर है ये काट रहे हैं, और मैं भी काट रही हूँ, आधा खेत काट रही है, और मशीन से भी काटा जा रहा है। तो गाइस, घास को इस तरह से सुखाने के लिए बिछाया गया है, ये देखिए ऐसे करके, तो एक सिर में रख के फिर इनको जब ये सूख जाएगा, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, जब इसमें अच्छी धूप लग जाएगी और सूख जाएगा, फिर इसको इकट्ठा किया जाएगा, बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगा पूरा, तब इनको इकट्ठा करके फिर एक टोली लगाते हैं, इनको बांध बांध के छोटे छोटे कूड़े बनाते हैं इसके। तो गाइस, 10 बज चुके हैं, हमने आधा खेत काट लिया है। तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है आज, बहुत ही ज़्यादा धूप, तो ऐसी ही होनी चाहिए अब शॉर्ट मिलने में घास सुखाने के लिए। पहले ज़माने में अनाज होता था, अनाज को भी काटते थे, सुखाते थे, पर अब अनाज तो होता ही नहीं है, अब गाय का घास। तो यहाँ पे ना ऐसे खेत है हमारे, ये देखिए ऐसी बड़ी बड़ी वॉल है। तो ये सूखे सूखे पेड़ दिख रहे हैं ना, जो ये पेड़ है बादाम के, इसके तो पत्ते उड़ गए सारे, बस पत्ते रहे हैं चेरियों में, चेरी और सेब में भी है अभी पत्ते यहाँ पे। तो हमारे जंगली बना है, ये हमारे पेड़ है इधर से, ये होता है पशु के लिए सर्दी के लिए चारा, जब बर्फ़ पड़ती थी तब हमारे पहाड़ों में जैसे भेड़ बकरी के लिए और गाय के लिए ये चारा खिलाया जाता था, क्योंकि यही पत्ते सिर्फ सर्दी में हरे भरे रहते हैं, बाकी तो देखो हमने खेत लाल कर दिया। मैं बोलती रहती ना कि भाई फिर तो हमारे खेत मतलब सूखे हो जाएंगे, अब इसके बाद सूखे हो जाते हैं देखो खेत, अब ग्रीनरी ख़त्म।
पूरा जंगल ही जंगल बन गया, उधर किसी और का नाले से उधर, नाले से इधर हमारा है। ये हमारे इधर के पेड़, ये लकड़ी के काम भी आते हैं और पशुओं के लिए चारे के काम भी आते हैं। और लकड़ी भी इसकी बहुत पक्की होती है, सर्दी में मतलब अच्छी आग जलती है इस लकड़ी से भी। तो गाइस आज ना मुझे जैसे घास काटते काटते ना अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि मेरे मायके में भी जहाँ पे हम रहते हैं दोगरी पर, दोगरी बोलते हैं जो फार्म हाउस होता है, तो वहाँ पे भी इस तरह के खेत है। तो वहाँ पे भी हम जाते थे मम्मी के साथ, मम्मी घास काटते थे तो हम उनके साथ ऐसे ही पड़े रहते थे खेतों में। तो आज अपना बचपन याद आ गया और वही टाइम याद आ गया जैसे बचपन में खेलते थे और सनसेट होते वक्त। यहाँ से अब सनसेट हो रहा है। ओ अच्छा, तो गाइस ये देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है अब शाम के टाइम, 4 बज गए। तो बस हमारा भी यही रहा, अब यहाँ पे लास्ट खेत, इससे नीचे मेरे देव जी का है। और इनका तो अभी बहुत सारे काटने को, इन्होंने अभी नहीं लाए, इनके पास खुद के बंदे हैं काम करने वाले, तो ये थोड़ा लेट काटेंगे शायद। बस अब यहाँ पे ना हमारे पहाड़ों में यही काम होता है घास काटने का, सर्दी के लिए सुखा के रखना।